अमेजन जंगल। दोस्तों ये नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले इस जंगल में रहने वाले भयंकर जीवों का ख्याल आता है, जैसे गिन एनाकोंडा, पाइथन, बुलेट एंट और भी बहुत सारे भयानक जीव। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि इस जंगल के अंदर आज भी डायनासोर मौजूद है। और ऐसा कहना कुछ गलत भी नहीं है, क्योंकि ये जंगल इतना बड़ा और घना है कि अभी तक इस जंगल का सिर्फ 25% ही एक्सप्लोर किया गया है, और बाकी 75% आज भी बड़ी रहस्य से घिरा हुआ है और हम इंसानों से एक पर्दा से छुपा हुआ है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे अमेजन रेनफॉरेस्ट का इतिहास और बहुत सारी ना जानने वाली रहस्य। दोस्तों इस बात पे कोई शक नहीं कि इस दुनिया में सबसे सुंदर और विचित्र प्रकार की जानवर अमेजन रेनफॉरेस्ट में ही पाए जाते हैं। इस जंगल को अगर आप गहराई से जानेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी और दुनिया पे चले गए हैं। वर्तमान समय का सबसे घना जंगल अमेजन रेनफॉरेस्ट ही है। ये जंगल इतना घना है कि बारिश का पानी भी जमीन तक पहुंचने में लगभग 10 मिनट का समय ले लेता है। और इस जंगल पे ऐसे अनेक जगह है जहाँ पे कभी भी सनलाइट जमीन तक पहुंचते ही नहीं है। ये रेनफॉरेस्ट साइज में लगभग भारत का 2 गुना है। ये जंगल 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि पूरी जंगल का अभी तक सिर्फ 25% ही हम लोग देख पाए हैं। दोस्तों प्रेजेंट टाइम का सबसे बड़ा एनाकोंडा ग्रीन एनाकोंडा इसी जंगल में देखने को मिलता है। और कुछ लोग तो ये भी दावा करते हैं कि प्राचीन समय में जो बड़ा बड़ा भयानक सांप मिलता था वो भी आज इस जंगल में रहते हैं। इस जंगल के अंदर क्लाइमेट आज भी ऐसा ही है जैसे कई लाख साल पहले पृथ्वी का हुआ करता था, और इसीलिए इस जंगल में रहने वाले जीव पृथ्वी के और इलाकों से बहुत ही बड़ा होता है। इस जंगल के अंदर कई अनोखे जानवर और पेड़ पौधे देखने को मिलता है। इस जंगल में लगभग 4 अरब पेड़ पौधे मौजूद है, जिनमें से कुछ पौधे तो ऐसे हैं जो इंसान को भी अपना शिकार बना सकता है। जानवर और पेड़ पौधे को छोड़कर इस जंगल का कीड़े मकोड़ों का भी बहुत ज्यादा चर्चा किया जाता है। इस पूरे जंगल पे जितने भी प्रकार का कीड़े मिलता है उनमें से कुछ ही प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं, और इसीलिए आए दिन कोई नए नए कीड़ों के बारे में खुलासा होते रहते हैं। इस जंगल पर पाए जाने वाले बुलेट एंट कोई आम चींटी नहीं है। अगर ये चींटी किसी इंसान को काटते हैं तो बंदूक की गोली लगने जैसा दर्द महसूस होता है। देखने में भले ही वो चींटी जैसा है पर इनकी डंक में बहुत ही खतरनाक जहर पाया जाता है। और अगर चींटियों को भी छोड़ दे तो यहाँ पर मकड़ियों का भी बहुत चर्चा होते हैं। अभी तक इस जंगल में 3000 से भी ज्यादा मकड़ियों की प्रजाति ढूंढा जा चुका है, जिनमें से ज्यादातर जहरीले और खतरनाक होते हैं। इस जंगल में पाए जाने वाले टेरेंटुला मकड़ी सबसे खतरनाक बताए जाते हैं। कहा जाता है कि ये मकड़ी अपनी बालों को वेपन की तरह यूज करते हैं, और गलती से अगर कोई इंसान को ये लग जाए तो दोबारा वापस घर आने की ख्वाब ही रह जाता है। इसके अलावा इस जंगल में कुछ आदिवासी प्रजाति भी रहते हैं, जिन्होंने समय के साथ साथ इस जंगल में रहने की कला ढूंढ चुके हैं। लेकिन दोस्तों दुख की बात तो ये है कि इस जंगल को हर दिन बहुत तेजी से काटा जाता है, और अगर बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसी तरह जंगल को नष्ट करते रहे तो कुछ सालों के बाद हमारे पृथ्वी से इस जंगल के नामो निशान मिट जाएंगे, और जंगल के साथ साथ ऐसे बहुत सारे पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएंगे। दोस्तों लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दो, और मेरे चैनल में अगर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट में बताओ आपको इस जंगल के बारे में सुन के कैसा लगा।